नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई घोषणाओं के बाद भी रोजगार सेवकों को उनका हक न दिए जाने के विरोध में जनपद के रोजगार सेवकों ने तिरंगा यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया। जनपद भर के रोजगार सेवक तिरंगा यात्रा निकालते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और अपनी 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए प्रदेश की योगी सरकार से रोजगार सेवकों को उनका हक दिए जाने की मांग की। पिंटू कुमार, ग्राम रोजगार सेवक संघ से जिलाध्यक्ष। हमारी जो मांगे हैं, विगत 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकारी सम्मेलन बुलाया था, जिसमें प्रदेश के 45,000 ग्राम मनरेगा कर्मचारी एकत्रित हुए थे। इसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की थी कि 1 महीने के अंदर आपकी HR पॉलिसी लागू हो जाएगी और आपके जो जॉब चार्ट में अन्य विभागों के भी कार्य जोड़े जाएंगे और किसी रोजगार सेवक को हटाया नहीं जाएगा। यदि किसी के साथ कोई आरोप लगता है उस पर, तो मुख्य DC मनरेगा, जो उपायुक्त मनरेगा हैं, उनकी संस्तुति के बिना कोई नहीं हटाया जाएगा और आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा। ये ऐसी महंगाई के दौर में ग्राम रोजगार सेवकों का 7788 रुपये मानदेय है, जिसमें 10,000 की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, उसमें भी हमारे साथ छल किया गया। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, जो ब्यूरोक्रेट्स है ये मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रही है। हम चाहते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक के सामने घोषणा की थी 45,000 के सामने, एक मुख्यमंत्री जी की छवि है पूरे देश में कि मुख्यमंत्री जी योगी जी जो कहते हैं वो पूर्ण करते हैं। लेकिन 2 साल हो गए, रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मचारी सभी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ऐसा क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपना वादा पूरा करें और रोजगार सेवकों को एक सम्मानजनक एक मानदेय हो और उनकी HR पॉलिसी लागू हो और अन्य जो कार्य हैं वो जुड़े और जो इनका लंबित मानदेय है, 5-5, 6-6 महीने से ग्राम रोजगार को मानदेय नहीं मिला, ऐसी 7788 रुपये में ये अपने घर कैसे चला सकते हैं ये हम ही जानते हैं, जो हम लोग हमारी स्थिति से कोई गुजरा हो वो जान सकता है। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।